बोलिए दूसरा जी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। मेरे एक मिनट में मेरे टाइम कितना है सर? यू हैव गॉट 6 मिनट्स, प्लीज गो। वैसे मैं आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन मैं सीधा, क्योंकि टाइम कम है, मैं सीधा किसानों की एजिटेशन पे जा रहा हूँ। जब ये ऑर्डिनेंस इशू हुए तो मैं पहला आदमी था जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा कि ये किसानों के हक में नहीं है। माइक इज नॉट वर्किंग आई थिंक, टेक्निकल पीपल फ्रॉम लोकसभा प्लीज चेक। आप बैठिए, बैठ के बोलिए माइक का। हाँ बैठ के बोलिए, यू आर टॉल सो नो प्रॉब्लम। अच्छा आप बैठ के बोलिए, प्लीज सिट डाउन एंड स्पीक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं सर कह रहा था कि जब ऑर्डिनेंस इशू हुए तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि ये किसानों के हक में नहीं है, इसके लिए इसको वापस लिया जाए। चलो उसका जवाब तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जयराम से पूछो कौन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता आज इस एजिटेशन पे बैठा है, बॉर्डरों पे बैठा है, लाखों की तादाद में बैठा है। यही नहीं है कि देश में के किसान है और किसानों का ही नहीं ये आंदोलन रहा, बल्कि ये तो सारे समाज के लोगों ने उनके सपोर्ट दिया है, बल्कि उनको नहीं सपोर्ट दिया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी इस एजिटेशन को सपोर्ट मिली है, शायद ही कभी किसी को। मंत्री दोनों प्लीज, शायद किसी ही एजिटेशन को मिली हो। तो मैं समझता हूँ कि जब ये लोग कहते हैं कि पंजाब का किसान को मिलता है ये वो ही बैठा है, जब इस देश को अनाज की जरूरत थी, जब ये लोग, ये देश कभी अमेरिका कभी ऑस्ट्रेलिया पर जाता था कि हमें अनाज चाहिए, तो पंजाब और हरियाणा उस वक्त इकट्ठे थे, तो उन्होंने इतना पैदा किया कि इनको देश का ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा एहसान इस देश पर किसान ने किया, लेकिन अब आज वही किसान देश के एजिटेशन 4 महीने से ज़्यादा हो गए वो बैठा है, और 2 महीने से ज़्यादा तक बॉर्डरों पर बैठा है और लाखों की तादाद में बैठा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये समझनी चाहिए, 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है। तो किसान की बात माननी चाहिए, किसान ने अपनी ज़मीन खराब ली कर ली, पानी नीचे चला गया, लेकिन उनको इतना तो चाहिए कि उनकी मांग है जो पूरी की जाए। और अपोजिशन ने भी सारी ने उस वक्त कहा था जब ये पास हुआ कि इसको कमेटी के पास भेज दिया जाए, ज्वाइंट कमेटी, बैठ के बात, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज भी उसका ये है, उसका ये है कि सारी अपोजिशन है वो एक एक जबान से बोल रही है कि इनको वापस किए जाएं, लेकिन नहीं वापस हो रहे। और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि 26 जनवरी को बड़ा काफ़ी हो गया कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया। वैसे तो अपमान का हमने किसी को देखा नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, किसी कभी उसको आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी इस देश आज़ाद करने के लिए। सर मैं थोड़ी सी आपको फिक्र देना चाहता हूँ जो सरकार की फिक्र है कि जदोजहद में, आज़ादी की जदोजहद में तो 121 को फांसी की सज़ा दी गई, हैंड 93 सिख थे, सिर्फ पंजाबी अकेले पंजाबी नहीं सिख थे, और जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई वो 2646 में से 2147 हमारे सिख थे, और जलियांवाला बाग में 1300 शहीद हुए उसमें 799 800 हमारे थे। यही नहीं है,
बजबज जो बजबज में मारे गए उसमें 113 में से 67 हमारे थे, और इसके अलावा जलियांवाले कुका मूवमेंट आई 91 को मारा गया, शहीद किया गया, तो 91 की सभी के सब सिख थे। और अकाली मूवमेंट में 500 शहीद हुए, 500 के 500 सिख थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि 4771 अगर को सजाएं मिली या शहीद हुए तो उसमें 3697 थे। तो मेरा मतलब कहने का है कि आज उनको कभी अत्यवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी वो ठीक है। मैं संजय जी को सुन रहा था, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर गए लाल किले में, और उसके पीछे कौन था, ये होना चाहिए सर। बाकी मेरी और एक बात बेनती है कि मीडिया को जरूर, मीडिया की बात बड़ी हुई, हमने मैंने और जीके ने पटिशनें दो दायर की हैं PIL दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें मीडिया को रोकने के लिए कहा है। एक मीडिया की हमने कैसेट भी दी है, वो आज तक के जो कोई जो एक 26 जनवरी को मंदिर का टेबलो आया था उसका किसी ने उखाड़ दिया, थोड़ी बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन वो कह रहे थे सिखों ने कर दिया, जबकि कभी कोई तस्वीर नहीं दिखा रही, कुछ नहीं। वो ऐसे कुछ मीडिया है ऐसी फैलाया करके एक हिंदू और सिखों की और कम्युनल हारमोनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन पर कोर्ट उनका रोकना चाहिए, उनको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन एक्ट से सर बड़ी बात है कि स्टेट्स की पावर है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल सिस्टम को नुकसान हो रहा है। सभी जो रीजनल पार्टी हैं वो फेडरल सिस्टम चाहती हैं, उसको बल्कि कमज़ोर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर ने बना दिए कानून, इसमें से वो फेडरल सिस्टम को बहुत बड़ी हो रही है। Okay. सर दूसरी, मैं दो मिनट और लूंगा, प्लीज। एक तो अगर मैं समझता हूँ, अभी आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और रिस्पेक्टफुल वे से उनके साथ बैठ के बात करके मकानी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी खुद इनिशिएटिव लें तो बात ये बन सकती है। अदरवाइज ये बहुत हमारे माताएं, बुजुर्ग हैं और बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनका एक ही हल हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी रिस्पेक्टफुल वे से उनकी बात सुन के उनको हल करें। और मैं ये समझता हूँ कि एक बात अखीर में कहूँगा, MSP की बड़ी बात चल रही है कि MSP जो है पहले भी कोई तरीका नहीं है उनका, वैसे सरकार जो मर्जी है, कभी 5 रुपए दे दे, कोई 50 रुपए दे दे, लेकिन उसका कोई नहीं, ना स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई है और ना ही सर किसान कहते रहे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक दिया जाए, ठीक, और या फिर प्राइस इंडेक्स के जोड़ा जाए, लेकिन तीनों में से किसी से नहीं जोड़ा गया। मेरी एक है कि इसको आप MSP को कोई साइंटिफिक तरीके से शुरू करें और उसको पक्का करें, वो तो समझौते में होगा जो है वो सरकार मानती है। एकदम सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं एक विषय सबका ध्यान में रहना चाहता हूँ, इस विषय को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए, ठीक है, किसान किसान है, थैंक यू सर, नहीं तो कोई स्टेट का है तो स्टेट का है, मगर उसमें जाति नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा, उन्होंने कहा, कोई पत्रकार ने ऐसा, कोई पत्रकार ने ऐसा लिखा, किसी ने भी कहा होगा, लिखा होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं। मीडिया को रोकना चाहिए। मैंने 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 पॉइंट नोट किया,